सीरियल थपकी प्यार की में आखिर वक्त आ ही गया जब बिहान और थपकी का मिलन हो गया है। पांडे परिवार ने तो ठान ही लिया था कि वो थपकी और बिहान को मिलाकर ही रहेंगे और आखिर उन्होंने ये काम कर दिखाया। दरअसल होगा यूं कि शो में न्यू एंट्रेंट शरण कौर यानी कि शीना बिहान की बचपन की बेस्ट फ्रेंड निकली। बिहान और शीना को करीब आते देख थपकी को शीना से जलन होने लगी थी, पर उसे प्यार का एहसास होना बाकी था। तो घर वालों ने शीना और बिहान की झूठी सगाई फिक्स कर दी। उन्होंने झूठी सगाई का प्लान इसलिए बनाया ताकि थपकी को एहसास हो सके कि वो बिहान से प्यार करती है, और ऐसा ही हुआ। थपकी से देखा नहीं गया कि बिहान किसी और का होने जा रहा है। सगाई के दिन थपकी ने बिहान से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वेल, थान अब एक हो गए हैं, पर श्रद्धा अब उन्हें एक दूसरे से दूर करना चाहती है। एक तरफ थपकी बिहान के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करेगी तो दूसरी तरफ श्रद्धा उसी प्लान को फ्लॉप करते हुए नजर आएगी। इस सीन में रेडियो जॉकी सिद्धू की न्यू एंट्री होगी जो आरजे राहुल का रोल प्ले करेंगे। थपकी के सरप्राइज प्लान के मुताबिक थपकी रेडियो स्टेशन कॉल करेगी जहां उसकी बात आरजे राहुल से होगी, पर बात करने के दौरान आरजे थपकी की तारीफ करना तो दूर वो थपकी की खामियां निकालना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, वो थपकी की रुक रुक कर बोलने वाली खामी को अपना निशाना बनाएगा और थपकी की इंसल्ट करेगा। आपको बता दें कि आरजे राहुल श्रद्धा का दोस्त होगा और वो उसी के कहने पर थपकी को बुरा भला सुनाएगा। पर जैसा कहते हैं ना, बुराई अच्छाई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। वैसे ही बिहान अपने हीरोइक स्टाइल में एंटर करेगा और थपकी को इंसल्ट होने से बचाएगा। बिहान अपनी बीवी का इंसल्ट नहीं होने देगा और वो उस आरजे को भी नहीं छोड़ेगा। वेल, जैसे हीरो अपनी हीरोइन का ख्याल रखता है, वैसे बिहान ने थपकी को इंसल्ट होने से बचाकर ये साबित कर दिया कि वो किसी हीरो से कम नहीं है। ऐसा करके वो श्रद्धा को भी मुंह तोड़ जवाब देगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि थान का प्यार ऐसे ही बना रहे। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।